जय श्री राधा कृष्ण। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भक्त संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा की कामना के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़े सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान को आयु और आरोग्यता भी मिलती है। अब आज इस वीडियो में आपको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पावन कथा सुनाती हूँ। बहुत ही पावन कथा है, ध्यान से सुने, प्रेम मन और भाव से सुने। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कथा सुनते हुए हाथ में फूल, जल, तिल और दक्षिणा जरूर रखें। अब एक जयकारे के साथ कथा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरी वैभव लक्ष्मी मैया की जय। एकादशी माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एकादशियों के महत्तम का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रपना एकादशी और पवित्रा एकादशी आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका महत्तम इसके नाम से ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है, इसलिए ही इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से जातक के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। पापियों को पवित्र कर देने के कारण ही इसे पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा कहने सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य फल मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे धनुर्धर, अब मैं तुम्हें इस महान फलदायी एकादशी महत्व की पावन कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए सदा दुखी रहता था। उसे वो राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, पर उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महिजीत वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें और इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से कभी मुक्त हो पाऊंगा, इस पे विचार करें। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बता के कोई समाधान किया जा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनि ऋषियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लुमेश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लुमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लुमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लुमेश से प्रार्थना की,
हे देव, हमारे अहो भाग्य जो हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्रियों की बात सुनकर लुमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहे, मैं आपके कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मुनियों का ऋषि ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सब बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे महाराज महिजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वो प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वो स्वयं पुत्रहीन है। हे मुनिश्रेष्ठ, इससे वो हमेशा अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई भी कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही हर कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषि शेठ, ये हमारा और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही आपका उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म करता था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है, ये दो दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पे जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय की ब्याई हुई एक गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में ये राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण ये पुत्रहीन है। मुनि की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभी की बात सुनकर लुमेश ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त दान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हो सकता है। राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी प्रजा ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेके अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्हें लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का सभी ने विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल संकल्प के साथ राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को विधि विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। एकादशी कथा महत्तम समाप्तम। हे श्री हरि विष्णु, आपके श्री चरणों में सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको आशीर्वाद देना, उनकी संतान की रक्षा करना और जिस कामना से वो आपका व्रत कर रहे हैं उस कामना को तुरंत ही पूरा करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। अंत में आपको कहूंगी, कितनी ही सुंदर कथा है। इस कथा से भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको यही बताया है कि पाप कर्म करते समय मनुष्य ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, पर शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य के छोटे से छोटा पाप भी उसे भयानक दुख भोगने को विवश कर देता है। मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये दैत्य जन जन्मांतर का उसका पीछा नहीं छोड़ता।
हम सभी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें, और ये बात हमेशा याद रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इस एकादशी महत्तम को सुनने के बाद से ही पुत्रदा एकादशी का महत्व माना जाता है। विष्णु पुराण, पद पुराण और भागवत श्रीमद भागवत महापुराण के अनुसार पवित्रा एकादशी समस्त भय, दोबारा से विष्णु पुराण, पद पुराण और श्रीमद भागवत महापुराण के अनुसार पवित्रा एकादशी समस्त भय और पापों का नाश करने वाली, संसार के मोह माया में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाली नाव की तरह है। इस व्रत के करने से संतान सुख अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। सभी को ये व्रत जरूर करना चाहिए, औरों को भी व्रत करने को प्रेरित करें। ओम श्री नारायणाय नमः।